महिपाल का मंगलकारी चरित का यह सप्तम दिवस है। मांगलिक प्रेरणाएं देने वाले चरित्र का मंगलाचरण अपन करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सविशाऊनम। मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैनि धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रदानम सर्व धर्मनाम धर्मानाम जैनम जैतु सासिनम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मे भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद गुणलब्धये सर्वज्ञशासंजयवंतु वरिते निर्ग्रंथिशासंजयवंति वरिते। यही भावि अविचिन्न रहता ये मनि में सर्वज्ञशासंजयवंति वरिते। ससनायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। मूल नायक मंदिर में विराजमान श्री नेमनाथ भगवान की जय। हरे जैन पुराण के मंगलमय गाता गाते मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा यासो जीवन बनी महा। चंद्रलेखा अकेली थी, बारिशें अकेली भले थी, परंतु अपने को अकेला ना देखकर अनंते भगवंतों के मध्य देख रही थी। घबराई नहीं उस विपदा से, क्योंकि ज्ञान की संपदा यदि साथ में हुआ करती है तो भाई विपदाएं कुछ नहीं करती। महिपाल की शील परायण महारानी चंद्रलेखा महिपाल को समुद्र में गिरा दिया था और वे तो कहां पहुंचे वो अपनी कलकथा में वाचा था। निकट आ गया था वो पापी अर्थार्णव, जिसको रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन वो आया और सती भगवान पंच परमिष्टि की आराधना में लग गई थी। दिन राज जी महाराज जी मेरा आप बिन कोई नहीं, मेरा आप बिन कोई नहीं, हे त्रिलोकीनाथ जी
आकई मारे सर्वसई, मेरा आप बिन कोई नहीं। सब बिछुड़ी गए ये नाथ जी, बस नाम तेरा साथ हुई। तुम्ही ओ माती पिता शुबंधु, तुम्ही ओ सर्वास जी, मीरा पुबिन कोई नहीं। जो ये आवाज गूंजी, देवों का आसन कंपायमान हो गया। ये मारा आसन किस पुण्यात्मा ने कंपायमान किया? अवध ज्ञान लगा करके उपस्थित हुआ है वह देव, और आया वो देव रक्षा के लिए। किनकी रक्षा के लिए? जो सील से रक्षित हैं, धर्म से रक्षित हैं, भी सुरक्षित हैं। रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, आप धर्म से रक्षित रहो, आप अपनी रक्षा की चिंता मत करो, आपकी रक्षा की चिंता देवों को होगी। आप अहिंसा से सुरक्षित हो, आप सत्य से सुरक्षित हो, आप आचोर से सुरक्षित हो, आप सील से सुरक्षित हो, आप परिग्रह के परिमाण ग्रस्त भूमिका की अपेक्षा अर्थ बोल रहा हूं से सुरक्षित रहोगे। आप अपने को आत्मा देखोगे तो सुरक्षित रहोगे। आप धर्म से रक्षित रहो, धर्म से सुरक्षित रहो। धर्म के धारक धर्मात्माओं को आपकी सुरक्षाओं की चिंता स्वयं ही होगी। और यदि आप धर्म से सुरक्षित हो तो आप तो सुरक्षित है ही। शरीर का जो प्रणमन होगा भाई, सब कर्माधीन है, उदयाधीन है। सती ने अपने सील की रक्षा करी, सील ने सती की रक्षा करी। धर्म की आप रक्षा करो, आप धर्म आपकी रक्षा करेगा। अपने सुख को और शांति को सुरक्षित रखना चाहते हो तो धर्म को सुरक्षित रखना। हिल उठाता आसन, देवों को चिंता होती है इस धर्मात्मा के भोजन की क्या व्यवस्था होगी। देवों को चिंता होती है इस धर्मात्मा की, कैसे हम व्यवस्था बनाएंगे। तुम तो अपनी धर्म को अनुकूल, अपनी परिणति को बनाए रखना, कोई चिंता नहीं करना। क्या प्रसंग बना, मार पड़े सील की रक्षा इते देवगण स्वर्ग से आए, महिमा सील धर्म, महिमा सील धर्म की शब्दों में कही नहीं जाए। सब धर्मों का मूल यही श्री गुरु कहते हैं। रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, या तो जीवन बने मान। अरे सील की रक्षा करने के लिए
अहो सील की रक्षा को तो देव स्वर्ग से आए, अहो सील की महिमा को तो देव स्वर्ग में गाए। मारी पड़ी मंत्री को बहाना, पर मारने आ रहा ना दिखे, देनी दशा हुई मंत्री की, प्रार्थना सभी सो करी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कहते पाते हैं मई पाल का मंगलकारी चरित सुना, चरणों में गिर रहा है, ए जाज बाचू, ए मुझे बचा लो, ए मुझे बचा लो, ए मुझे बचा लो। बचाने वाला कोई नहीं, मार पड़ रही थी, तब वो इधर छुप गया उधर छुप गया, तब देव ने कहा चाहे तो तू आकाश में जाकर छुप जाना और चाहे तो पाताल में छुप जाना, रे पापी अगर प्राण बचाना चाहता है तो सती के चरणों की शरण ग्रहण कर, जिसकी तूने विराधना करी उसी की आराधना कर, आचार्य भी कहते हैं। कर्म कहता है कि चाहे तू ग्रीवक में जाकर छुप जाना और चाहे तू अहिमिंदों के भवनों में छुप जाना, चले जाना, छुप जाना मतलब चले जाना, भगवान आत्मा की शरण लिए बिना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। जा करके सती के चरणों में गिर गया, किया सचेत पुत्री कह कर सती के चरण गए। हे बहन, हे बहन, हे पुत्री, हे बेटा, मेरी आंखों पर पाप का पर्दा चढ़ गया था, मैं तेरे से प्राण की भिक्षा मांगना चाहता हूं, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। तब सती ने आंख खोली है, अहो भगवन उपकारी परमात्मा, ना कोई ना होगा सारा, माँ प्रभु नाम का ही सारा, कभी न विसरना कभी न विसरना, जिना धर्म सुख कारा, तू धर्म नहीं तजना यारे, कैसी आए विपदाएं, धीरजे ओरे में दारी ना, तू धर्म नहीं तजे ना यारे। आंखों के आंसू मचे, कहने लगी, जिस धर्मात्मा देव ने मेरी धर्म की रक्षा करी है, सील की रक्षा करी है, वो प्रकट होवे, और मैं तो अपनी निमित्त से तृण मात को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती हूं, इसको क्षमा करे। प्रगट हुआ देव सती की महिमा अरे करे, बोलो परम पूज्य जैन धर्म की जय, चंद्रलेखा सती की जय, ऐसी जयकार लगाइए देव। हाँ, क्योंकि वो स्थान ऐसा था, कोई जनाला थोड़ी था। हाँ, धन्य सती, धन्य तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। चक्रवर्ती की सभा में चक्रवर्ती की जय लगे वो अलग बात है, वो चक्रवर्ती की मंदिर में जय लगाए वो अलग बात है, वो लौकिक व्यवस्था है उसकी। राजागण कहते हैं महाराज चक्रवर्ती महाराज की जय, पर अगर वो मंदिर में जयकार लगाने लगे तो गृह मिथ्यात्व हो जाएगा वो चक्रवर्ती। हाँ, जय हो, आप सील कथा ओम पढ़ते हो, सोमा की जय बोल रहे हैं, इनकी जय बोल रहे हैं, जय मतलब उनकी अहिंसा की, उनके सील की, उनके संयम की।
पर देवादि देव जहां विराजे तय मखुई इसी प्रकार की जयकार आए वह कार लगाए जय हो मैन में धन्य बहन धन्य तेरा धर्म धन्य तेरी धीरता इंद्रादिक भी इंद्रदेव भी तेरी महिमा कर रहे हैं स्वर्ग में मैं किंकर व दौड़ा दौड़ा तेरी सेवा में उपस्थित हुआ और ए अर्थार्णव जैसे का पूरा अर्थार्णव जैसा पूरा भारत पूरा विश्व आ जाए तो तेरे को छूने वाले नहीं है हम देव तेरे सेवक हैं बोला और ये बहन तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं ऐसा कहकर महिमा करके और कुछ दिवसों बाद तुम्हारे पति का भी योग बनेगा यूं कहा और भाई तो चला गया बोला मंत्री तुम जो चाहो वो ये हम करते हैं अब तो लग रहा है हे पुत्री अब मुझसे पाप तो हो गया कहने लगा डर गया भयंकर अब तू जो कहेगी सो मैं करता हूँ तू कहे तो मैं तुझे तेरे पिता के यहाँ छोड़े देता हूँ तू जहां कहे वहां मैं छोड़ता हूं पर अब मेरे अपराध को क्षमा करो चलो रत्न संचयपुर आदिश्वर के मंदिर माई जा मेरी बड़ी बहन पहुंची है सुखदाई कुछ दिवस में जहाज भाई पहुंचते पाते हैं अरे मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं सुनो जी मंगल जैन पुरा निया तो जीवन बने पहुंच गया था रत्न संचयपुर चंद्रलेखा उतरिए मुझे तेरा कोई जहाज नहीं चाहिए कोई वस्तु नहीं चाहिए मैं तो जाती हूँ प्रभु आदिश्वर के जनाल है खोजती हूँ जब चली है तो पहुंच गई वहां आदिनाथ भगवान के जनाल है बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो बड़ी प्रसन्न हुई है दिनराज जी महाराज जी मेरा आप बिन कोई नहीं जो आत्मा के तो सही सामान्य वेश में एक सती भगवान की भक्ति में मग्न है चंद्रलेखा ने उनको देखा और उनके साथ वो भी भगवान की भक्ति में मग्न हो गई और इधर समझ गई वो सब चले जाएं वो पास में निवास है वो सब पता था तो दोनों रहने लगी महीपाल तो उधर आ रहा है लेकिन दग्ध पुण्य सो अर्थार्णव ने राजा को खुश किया मंत्री बनाया निप पद पाकर पापी अरसाया सती ओम श्री तम मोनो प्रभु भक्ति में भर तेरे मई पाल का मंगल कार चरित सुनाते हैं सुनो जी मंगल जैन पुरा निया तो जीवन बनी सोमश्री ने विचार किया था सब कर्म की व्यवस्था है इस सब कर्म का योग बना और कर्म कर्म कहने से कार्य चलेगा नहीं धर्म की आराधना से कर्मों को काटना है उदय को दोष देने से क्या होगा स्वयं मेहनत रहना चाहता है स्वयं का पाप नहीं देखेगा
स्वयं का परिणाम नहीं देखेगा, न वर्तमान देखेगा, न भूत देखेगा, और कर्म कर्म करता है, कर्म का वो कर्म को दे। ज्ञानी जन कहते हैं पंडित जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, स्वयं मेहनत रहना चाहता है, दोष कर्मादिक को लगाता है, जिना ज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभवे नहीं। अरे नौ कर्म को दोष देना महा अनिति है, कर्म को दोष देखना अनिति है, और अपना दोष देखना ही नीति है, उसको दूर करना धर्म है। पंडित जी साहब के वचन सुने होंगे, क्या होता है भाई, सती धर्म में लग गई थी कर्म से भिन्न होने के लिए, कर्मों को काटने के लिए धर्म ही शरण है, और प्रतिज्ञा कर ली थी कोई पति से संबंधित समाचार देगा तो ही मैं बोलूंगी, अन्यथा मुझे किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलना। तो वो मौन थी और इनको भी ऐसा ही भाव आया, ये तो और विपदा से बच पढ़ के आई थी, यहां कोई मेरा परिचय लेगा मैं बोलूंगी नहीं, पति देव का कोई समाचार मिलेगा तब ही बोलेंगे हम, अन्यथा भगवान की भक्ति में भक्त लौकिक में इतना ही है, उनके सुनेंगे उसके अलावा कुछ नहीं। और दोनों ही मौन थी। पहुंचा मई पाल कुंवर शशि प्रभा सहित बाई, देखर थार नाविको, मंदिर के निकट ही पहुंच गए थे, देखो ये जिनाल है, वहां देख रही हो तुम, बोझो दो, अरे ये सोम श्री है, हाँ यही मेरी धर्म परायण पत्नी है, फिर क्या देखता है, ओ ये तो चंद्रलेखा, वाह प्रभु कर्मों की व्यवस्था, और तब तक इधर मुड़ कर के देखा थोड़ी दूर, तो क्या देखता है कि अर्थार्णव आ रहा है, जो अर्थार्णव को आता देखा तो बताने वाले थे शशि प्रभा को, विधि तो सब बता दी थी, वहां वहां मिलेंगी, लेकिन जैसे ही अर्थार्णव को देखा, देखर तार नाविको कुब्जक वेश बनाया है भाई, क्यों कारण समझ में आ गया, अरे और लोग कह रहे मंत्री, अरे ये तो यहां भी मंत्री बन गया, ओ ये इसका राज इसका मंत्री पना, ये तो मेरा शत्रु है, यहां फिर वो ही विपदाएं खड़ी करेगा, इसलिए किसी को दोष देने से क्या, अपनी शक्ति का प्रयोग मैं करता हूं, इसको पता ही ना चले। अरे कभी ये मत सोचना, पापानुबंधी पुण्य जब तक चलता है तब तब तक पाप आत्मा भी बाहर की संपदाओं को पाते हुए दिखाई देते हैं। आज के बच्चे यही तो नहीं समझ पाते हैं कि देखो ये पापन में मग्न है, ये ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो भी इनके पास संपदा, भैया भुगत रहे हैं पूर्व का, और कोई धर्मात्मा और पाप का उदय हो, कोई धर्मात्मा है और पाप का उदय, तो भी विपदाओं से गिरा हुआ नजर आएगा। जैसे अभी स्पष्ट देखें तो महीपाल जो वियोग हुआ ही हुआ तो विपदाएं हैं, और उसको मंत्री पद मिल गया दोबारा, उसने सोचा मुझे राजा के पास में कैसे जाऊंगा, तो इसी राजा को प्रसन्न करके मंत्री बन गया। इसलिए भाई ये सब पाप पुण्य की लीलाएं हैं, खेल हैं, इनमें कोई अटकने जैसी बात, इनसे कोई धर्म का पूर्वापर का संबंध होता है, उसने विचार किया और अपना कुब्जक का रूप बनाया। सते प्रवा उस देख के बेबी तो रुदन करती है, मई पल का मंगलकारी चरित सुनाते, ओ मेरे नाथ मेरे स्वामी कहाँ चले गए, ये तो कोई बुढ़ा सा कुबड़ा सा दिख रहा, ये कुब्जा कहाँ से आ गया, वो रोने लगी जोर जोर से, किसको देख करके,
हाँ उसको देखकर मेरे स्वामी कहाँ गए, मेरे स्वामी कहाँ गए, और दुखी होने लगी, रोने लगी, चारों तरफ देख रहे हैं कहाँ है वो, सामने है मेरे नाथ, नहीं ये लख कर कुब्ज को छोड़ भागी। रुको रुको रुको, तो वो घबरा गई, ये कौन सा दुष्ट पापी आ गया अभी, और वो छोड़ करके भागी है। घिनावना तन फटे वस्त्र लख नहीं पहचान पावी। घिनावना वैसे यंग और फटे पड़ा दो, ये मेरा स्वामी कहां से आ गया। और वो तो दौड़ी और मंदिर के अंदर चली गई, उसको भक्ति करते हुए देखकर निश्चिंत भयो। त्यों ही पर आए दृष्टि जीव, आत्म तत्व ना पहचानते हैं, मही पाल का मंगल कारी चरित सुना। आचार्य भगवान कहते हैं जैसे उसका स्वामी कहीं दूर नहीं था, वो रो रही थी, घबरा रही थी, भाग रही थी, मेरा स्वामी कहाँ गए, ए प्रभु मेरा स्वामी कहाँ गए, ए प्रभु मेरे स्वामी कहाँ गए, हे नाथ मेरे स्वामी कहाँ गए। घबरा के चारों तरफ इधर उधर देखा, अभी तो उसका तत्व ज्ञान की उसकी रुचि अभी अभी लगी थी, बहुत गहरा तत्व तो जानती नहीं थी। तुम मंदिर में जाके परमात्मा के सामने ये प्रभु ये भगवान, हे नाथ आपकी शरण मिली है तो उन्हीं के कारण मिली है, मैं तो ग्रीक मिथ्यात्वी थी, मेरे स्वामी कहाँ चले गए, तब तक उनको देखा ही था, तो उनके साथ ही बैठ गई। अब जो योग बनेगा वो इन्हीं के साथ बनेगा। और महीपाल निश्चिंत हो गया था, लेकिन वह दुखी थी अपने स्वामी, और वो महीपाल कुब्जक वेश में ही भगवान के दर्शन करके वहां सब, अब देखा को देखे ऐसी पटी हालत वाले, और उसको देख करके नाना रूप को लखे, सुद्धा तम को नहीं बिसरो। अरे भव्य, जैसे उनका नाथ उनका स्वामी दूर नहीं था, वैसी का इंतजार कर रही है, ऐसी प्रभु तेरा आत्मा तेरे से दूर नहीं है। ज्ञानी कहते हैं तेरा धनी नहीं दूर दिसंतर, तोई मह तोई सूजत नाई, इस पर्याय दृष्टि ने तेरे परमात्मा को तुझसे दूर कर लिया है। रित्रविधि करमी मल सुने, पर्यायो से भिन्ने लखो, पर्याय मात्र से न्यारा है। वो ज्ञानी कहते हैं मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, तो जी पर्यायों के स्वांगों से जय अपने परमात्मा को भूल गया है, अब क्या करो। करो बंद सर्वता आत्मन, पर्यार्थिक चक्षु को खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से निज छवि निरखो। द्रव्य सामान नारकत्व आदि से भिन्न दिखाते हैं, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, तो जी बनी बनी महान। भाई अगर फटी हालत, अगर कुब्जक दशा मैं ही शशि प्रभा समझ जाए कि ये तो विद्या का वेश है, ये विद्या शशि प्रभा, इसलिए उनके पिता ने ही तो विद्या दी थी, वो तो भूल गई कि रूप परिवर्तनी और बलवर्धनी दी थी ना, वही विद्या से तो रूप परिवर्तन किया, लेकिन विस्मृत हो गया उसका। ऐसी रे भवि, ये नारकी पना त्रियंच पना मनुष्य पना देव पना। भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार विषय कहते हैं कि पर्यार्थिक चक्षु को सर्वता बंद कर खुली हुई द्रव्यार्थिक चक्षु से देख,
तेरा परमात्मा कहीं दूर नहीं है, तेरा परमात्मा तो यही है। ऐसी ये भव्य आत्मा हो तुम्हारे नाथ, तुम्हारी स्वामी जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो तुम्हारे सामने ही है। भगवान कुंद आचार्य भगवान समय सार में कहते हैं, आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा, प्रत्येक पर्याय में दर्शन हो रहे हैं। लेकिन पर मैं एकत्व से मूढ़ अज्ञानी को यह अनुभूति है सो मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता है। महिपाल ने क्या किया? महिपाल कुब्जक के देश में बांस से निकल जाता है। तीनों सतियां सोमश्री चंद्रलेखा और शशि प्रभा भगवान के मंदिर में मग्न भक्ति में, दर्शनार्थी आए देखें, बस सुबह आए तो देखें, शाम को आए तो देखें, हर समय उन तीनों को बनी भक्ति में मौन हो करके थोड़ा अपना जल वगैरह लेती, थोड़ा बहुत वो करती हूँ, बाकी बात भगवान की भक्ति तत्व विचार चिंतन। लेकिन कोई पूछता तुम कहाँ से आई हो बहन, तुम कौन हो, कुछ नहीं बोलती, बस ध्यान में। लोग सोचने लगे एक के बाद एक सुंदर देवांगना जैसी प्रकट होती जा रही है, कोई देवों का तिसे तो नहीं। अब तो एक तक नहीं, दो तक नहीं, तीन तक। अरे भगवान की ऐसी भक्ति करती हैं जी, कोई देवी तो नहीं है। तो राजा से जाकर कहा कि महाराज आदिनाथ भगवान का महान जिनालय, उसमें ऐसा अतिशय हो रहा है कि तीन तीन देवियां स्वर्ग से आ रही हैं, ऐसा लगता है। वे कुछ बोलती नहीं है, सर्वांग सुंदर, बस मौन हो भगवान की भक्ति में मग्न रहती है। ये कोई देवता ही ऐसा रूप बनाकर तो नहीं बैठे। राजा स्वयं गया है, निप दर्शन को गए, पूछते परिचय उनका भाई, पर वो बोली नहीं मौन रही भाभी। अरे सुखुदाई, राजा खड़ा था, राजा बोला बेटी, राजा न्यायवान था, सीलवान था, धर्मात्मा था, ऐसा नहीं था। बेटी तुम कहां से आई हो, तुम कौन हो, कुछ नहीं बोली नहीं। जिन राजी त्यों लोक के राजा, लक प्रभु भक्ति में भरते रे। अरे मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाती, अगर इस राजा की नहीं सुनेंगे तो ये दंड दे देगा हमको, डरी नहीं। नाथो के ना श्री जिन्ना, देवो के देव श्री, कहा राजा महाराजाओं की ओर, कहा अन्य की ओर, मंदिर में भी देखने लगे। तीन लोग के महाराज तो जी बैठे हैं, इनके रहते हुए मैंने राजाओं की काय की चिंता, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपनी कुछ परिचय नहीं दिया। बहु प्रयत्नों से ना बोली, निप्रणे घोषणा करी, सबने प्रयास किए कुछ नहीं बोली, न वे कछु अकेले में भी जा कुछ नहीं बोली। तो राजा ने कहा, एक लाख दीनार देंगे यदि इनको बुलवाए सही। ये कौन है, कहाँ है, थोड़ा सा कुछ बुलवा दे, शब्द ही निकलवा दे भैया, ये कौन है, कुछ शब्द तो निकले। अगर इन्हें जो बुलवा देगा वो उसको हम एक लाख दीदार देगी सब। लेकिन ध्यान रखना, शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए, सामान्य भाषा में अपनी स्नेह की भाषा में बात होना चाहिए। अगर उन सतियों को छेड़छाड़ या उपसर्ग करने की कोशिश करी तो फांसी दे देंगे राजा ने कहा। ऐसे तो यहीं तो जाकर को बुलवाने के लिए दंड देने लगे, कुछ भी करने लगे। तो सब लोगों ने जा जाकर, ए बहन, अरे आप बोलो तो सही, आप बोलो तो सही, आप तो बहुत, आप तो महान हो, आप तो ऐसा, जो जो लोभी धरी जैसे हैं, बहने तो बहुत ज्यादा गई होंगी आज की भाषा में कहें तो, जैसे मिल मिल के गई होंगी, अपन बोलवा लेंगे सब मिल के, तुम कहाँ से आई बताओ तो सही।
सबने प्रयास कर ले, लेकिन भी ना बोले वो सबरी भक्ति मगर। मंदिर की तो सब मर्यादा जानते हैं, अकेले में थोड़ी बहुत बात करी, मंदिर में प्रयास किया, लेकिन भी तो मौन बोले ना, नहीं बोले तो नहीं बोले। अब जब 1 लाख दीनार की वो घोषणा हो रही थी नगर में, तो कुब्ज के बेसेदारी कुआं यही कहते हैं, उनको सब पता है। तो भी बोलते हैं सब तो प्रयत्न हो गए, सबके राजा में वो चल रहा है। अंत में राजा ने सोचा भाई क्या करने लगे, तब वो ही पहुंचा दरबार में, महाराज आपकी चिंता मैं दूर कर दूंगा। बोले क्या? जो मंदिर में देवियां उनको मैं बुलवा सकता हूँ। सोचा हम गए, हमारे सामने बोली नहीं जी, गिनाव ने पटापटा डाला, ऐसी स्थिति इसके सामने भी क्या बोलेंगी? क्यों? अष्टांग निमित्त का ज्ञाता मैं इन तीनों को बुलवाऊं। महाराज ये मुझे जग मत देखो, ये सभी इसमें मैं पूरी ज्योतिष का और निमित्त ज्ञाता हूं, मैं इनको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी में ये पक्का बोलेंगी महाराज, पर उसकी मेरी शर्त है कि मैं अकेले में नहीं सुनाऊंगा, सबके सामने सुनाऊंगा। बोली बहुत अच्छी बात, सबके सामने बोल जाऊंगी, प्रमाण ही हो जाएगा। ये पति मंदिर के बाहर कथा सुनाऊंगा राजन, मंदिर में नहीं सुनाऊंगा वो कथा, मंदिर के बाहर परिकर लगाओ कहीं, वहां पर मैं अपनी कथा सुनाऊंगा। बोले मंदिर में क्यों नहीं सुनाएगा? वे मंदिर के बाहर आएंगे नहीं। अरे वे सब आएंगे, आप तो बस शुरू करवाओ, क्योंकि वहां मैं वो कथा नहीं सुनाऊंगा, वो लोक की कथा है और उसी से वो बोलेंगे। मंदिर की महाराज मर्यादाएं हुआ करती हैं, वहां कोई भी कथाएं नहीं होती हैं, वहां 3 लोक के नाथ की चर्चा वार्ता के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे जो कथा सुनाना है वो लौकिक कथा सुनाना है, उससे वो बोलेंगे। तब पूरी सभा इकट्ठी हो गई, उनने कहा अपने का प्रयोजन कोई हो रहा होगा, होने दो, अपन तो भगवान के पास बैठे। अब वो उसी समय उनका भोजन पान या कुछ भी होगा, तो जैसे ही वो कथा शुरू भई है कि अगर है क्या, थोड़ी जिज्ञासा तो जागे ही गई, हो क्या रहा है। तब पति संबंधित कथा जान, राजा ने कहा तो बैठेंगी नहीं, आएंगी नहीं, भी जाती नहीं है कहीं। तो दो कथा हो रही थी और आवाज आ रही थी, जो कथा शुरू प्रारंभ करी, उज्जैन नगर, उज्जैन का नाम सुनते ही सोम श्री को जिज्ञासा होने लगी, ये तो हमारी नगरी की कथा है। अब जब नगरी में ही जिज्ञासा होने लगी, राजा का नाम निप्र सिंह, अरे तो और विकल्प, उनके यहाँ एक धर्मात्मा पुत्र ने जन्म लिया, उनका नाम था महीपाल। जो ये शब्द सुना तो तीनों को लगने लगा, दौड़ी और कथा बड़े धर्मात्मा, जो ये सुना अब तो रुका नहीं गया, बोल उठी चलो, आज पहली बोली है, ये तो कोई कहानी हमसे संबंधित लग रही है। ऐसा विचार करके सोम श्री जो बड़ी है तो दो 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 अनुसरण करना ही थी, सम्यक के साथ ज्ञान और चारित्र तो होता ही है, वो तो इंतजार कर रही थी जाकर, वो बैठी है, उनको भी इतना तो पता था ही, जब इतने संगे इतने समय महीपाल के साथ में रही हैं, तो उनका क्या जीवन रहा है ये जानकारी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए जाकर जो बैठी हैं, जैसे ही कहानी शुरू हुई, पति से संबंध कथे सुना, आई सोई भी आगे 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 होती, हो हो आज पहली बार ही आके बैठ गई, राजा ने कहा पहलो चमत्कार तो हो ही गया, वाह वाह जी, वास्तव में कोई बहुत बड़ा है। अर्थार्णव से कहते हैं अर्थ मंत्री जी, बहुत बड़ा कोई निमित्त ज्ञानी आया है,
जिसको बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, ये मंदिर की बाहर आ गई, पहली बार आई है, है? जो ज्ञाता नात का नाम सुन धर्मी उपयोग लगाए, ये तो मेरे नात की वारिता जिस बिन भाव में हम भीरमा। एकाग्र हो सुने धर्मी त्यों तीनों सुनती हैं, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाती हैं। जैसे धर्मात्मा जो भगवान आत्मा सुना, ज्ञाता सुना, अरे ये तो मेरी प्रभु की बात है, ऐसे विदेश में और इस स्थान पर हमारे स्वामी की बात कौन सुना रहा है? ऐसे ऐसे कलिकाल में जहाँ कोई नहीं है वहां कोई भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु परमेश्वर बड़े पंडित जी साहब के बड़े भाग्य से हमें अमृत वचन निकले हैं। उनके अमृत वचनों का पहला ही बोल है भगवान आत्मा। गुरुदेव के मुखारविंद से तो बार बार प्रवचनों में वही धुन लगती थी। अमृत चंद आचार्य महाराज कहते हैं ये भगवान आत्मा, भगवान आत्मा है। यहां से शुरू हुआ, जो भगवान आत्मा जैसे ज्ञानी सुने, धर्मात्मा सुने तो उसके कदम, यह ये तो मेरे नाथ की वार्ता है। अन्य वार्ताएं सुनने पर तो जिन्ने मा मैं रूपे न जाना, बे शत्रु न मित्र समाना। जो मेरे रूप को ना जाने, जो जाने मुझे आत्मरे, विज्ञानी पूजे मेरे। कहानी शुरू हुई और कहानी अभी तो बुलवाना है ना, अभी बोली कहाँ है, तीनों बोलेंगी कैसे? तो सुनाते सुनाते कथा धर्मी का पूरा, जो भी कुछ चलता है धर्मात्मा का तो आत्मा के लिए। नगरी नाम सुनते सोम श्री बिचारे और माई, ये तो कथा हमारी है सुनते प्रसन्नताव। सोम श्री के साथ विवाह हुआ, प्रेस हुआ, तो ये तो अपनी वही कथा चल रही, पूरा उपयोग एकाग्र हो गया, अपनी कहानी लगे, अपनी बात लगे तो नींद उड़ जाए, मौन छूट जाए, कदम चलने लगे अपने। अब तो सदा जी था वही कथा है, पक्का लग रहा है सोम श्री को, और दोनों को परोक्ष की सुनी सुनी लग रही है कि ये भी ऐसी ऐसी कोई कहानी है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये तो कथा। लेकिन क्योंकि वो सोम श्री उनसे भी नहीं बोली, भी आपस में बातचीत नहीं भाई उनकी, के एक दूसरे से कहानी बातें हो रही हो, ये कई नियम था पति से संबंधित हो तो हम कब आ गए कछु नहीं बोल भगवान साहब रो बैठे, तो वे समझ गए कि ये तो कथा अपनी लग रही है, बिल्कुल ये तो मेरी कथा लग रही है। तो जिसको अपनी बात लगे उसका समय सार में मन लगे, जिसको अपने आदर्श दिखे उनको इन महापुरुषों की कथाओं में मन लगे, जिसको अपने सुखी होने का आचरण दिखे उसको चरणानियों को मन लगे, जिसको अपने परिणाम बिगड़ने का संभालने का भय लगे या उत्साह हो उसको करणानियों को वाचने का भय। देखो ऐसे परिणाम बिगाड़ने से ऐसे कर्म बनते हैं, अपना बनाता है वह मन लगता है, उन्हें तो सो जाएगा उपयोग नहीं लगाएगा। जैसे इतने इतने राजा ने सुनाई कहानी और कौन कौन ने आकर सब सुनाया, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया, सुनाओ हम तो क्या आया सुनी नहीं उनकी, तब क्या होता है? जाजी डूबने तक की कथा सुन जैसे ही मौन हुआ। पहले वाले जहाज डूबा और जहाज डूब गया था, सोम श्री भी डूब गई थी, बस हाँ जो इतनी सुनी है तो मुख्य कथा तो यही सुनने थी, उससे आगे कब आवर आज ये तो अभी पता है।
श्री बोली इससे आगे क्या हुआ। अब दूसरे ने कहा ठीक है सब, अब जिसको जिज्ञासा हो वो आगे कराए, ऐसी जिसको आत्मा का दर्शन करना हो वो ही पूछेगा को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत। जिसको रूढ़ी से सुनना है वो तो ढोंग लगा के चला जाएगा। बेटे कहे ठीक है बोल हो गए तो बोल सही, चलो अब का हो गई कहानी, कोई तो नहीं बोलो, हो गई कहानी। वो जहाज डूब गया, सब तो जे देख रहे थे कि जे का बोले मुख्य रूप में तो जे था ये बोलेगी कि नहीं, जो कहानी से ये कहानी ऐसी कहानी से बहुत बहुत लोग बैठे कहा कहानी सुना रहे, ऐसी कहानी हम 50 सुना देते, बना बना के कोई कहानी सुनाया जा रहा है जी, पास के जी बोल रही का। लेकिन वे तीनों आई तब भी विकल्प, अरे आ गई होंगी बैठ गई होंगी सुनने के लिए, राजा के लिहाज से बैठ गई होंगी उसमें कहूंगा, लेकिन बोलेंगी तब पता चले। तो जैसी वो कहानी पूरी करी बस भाई बोली पहली सोमश्री, अरे ना भैया वहां बोली आगे तो कथा सुनाओ, भैया शब्द नहीं बोला, आगे तो सुनाओ आगे क्या हुआ। मोन टूटा देख सभी जयकार लगाते हैं, मई बालिका मंगलकारी चरित सुना। राजन बोलो आदिनाथ भगवान की जय। महाराज देखो एक बोल गई अब दो और बोलो आदे, अब सुनाई दूजी बारे चंद्रलेखा ती बोली, अर्थार नव सुनते ही सोचे मेरी ए स्थिति खोली। हाँ तो भाई वाता में कहता भाई सब खोल नहीं खोल के डर नहीं। फिर वहां पर गए और वहां राजा के बाहर आए, अब वो अर्थात आपका वाता घूमने लगा, जी ये क्या होने जा रहा है, ये क्या होने, तो हमारे राज्य की कहानी आ गई, ये चंद्रलेखा का नाम कैसे आ रहा है। और वहां अर्थार नव नाम का गुण धवर नाम के मंत्री और सब, ये तो बिल्कुल अब वो तो घबरा रहा है। देखो सब अपनी अपने में रहते, ज्ञानी आत्मा की वो ही तत्व अर्थ सुन करके कोई विरोध करने लगे और कोई वाह में आनंद करे, अर्थार ना घबरा रहा है विरोध कर रहा है, बंद कराओ बंद कराओ। अर्थार्णव जैसी होंगे ये तत्व चर्चा बंद कराए, धर्म वार्ता बंद कराए, जिन्हें धर्म अच्छा ना लगे हैं। और जी प्रसन्न हो रही है चंद्रलेखा, कह रही है अब तो जी चंद्रलेखा ये तो मेरा ही नाम आ गया है। सुनते 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 अर्थार्णव नाम का मंत्री था, राजा भी सोच रहे बैठे बैठे जी कहानी क्या हो रही है, अर्थार्णव तो यही है और उस राज्य की दिशा से तो यही आया है, कह तो ये रहा था कि मैं भ्रमण के लिए आया था और मुझे आपका बहुत अच्छा लगा तो अब तो मैं आपका ही मंत्री रहूंगा, लेकिन जी ये ऐसा ऐसा पापी ऐसे दुष्ट को मैं मंत्री बनाऊंगा। सोचने लगा राजा, हो सकता है एक नामधारी अनेक हुआ करते हैं, कोई दूसरा होगा, शंका सी तो राजा को भी पैदा भाई कि ऐसा 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 ऐसा। तो फिर थोड़ी राज वो घबराने लगा, अर्थार नव फिर तते प्रभा को बोलते हुए सुपाते हैं, अरे मई बालिका मंगलकारी चरित सुनाते। दूसरी बार कहां तक कहानी छोड़ी, मई पाल डूब गए, उसने अर्थार्णव ने उसको उनको पटक दिया। तब चंद्रलेखा सोचने लगी कहानी तो इससे आगे की मुझे चाहिए, तब वो दूसरी बार वो बोली इसकी कहानी तो बीच की जहाज की मैं सुना दूंगी। वो जहाज की कहानी सुना देगी कैसे, मुझे तो वो आगे कहानी सुनाओ आगे क्या हुआ। सब बोले बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। चलो दूसरी बोल गई, महाराज बोले चमत्कारी है भाई कहानी बहुत अच्छी सुनाई जा रही है, अब तो सब एकाग्र होकर सुनने लगे, इतने लोग बोल रहे इतने लोग और वाह वाह जी बोलते जा रहे। अरे जो मुर्दा में जान आ जाए भगवान आत्मा ऐसा है, जब आत्मा सुने तो आत्म रसिक तो
आनंद करे भाई। जब दूसरी बार वे बोली तब कहानी आगे सुनाना शुरू हुई, और जो आगे सुनाना शुरू हुई तब आ गए वहीं तक। कहाँ तक? नगरी तक आ गए, अपनी शशि प्रभा को लेकर के भय आ गया था, और आदिनाथ चिन मंदिर के दर्शन कर रहा था। राजा सोचने लगे तो सब आएंगी कहानी सी लग रही है। तो भाई कहीं क्या हुआ, जैसा अपन बात कर ली तो क्या हुआ फिर बताने। तो फिर भाई बोला तब भाई शशि प्रभा आगे चली गई और महीपाल मौन हो गया। तो उन महीपाल का क्या आगे क्या हुआ, वे कहाँ चले गए, किधर चले गए? कौन बोली? शशि प्रभा। जब तीसरी बोली तो ही बोले महाराज देखो तीन ही बोल गए। हम सुना देंगे, जयकारा लग गया आदिनाथ भगवान की जय हो। जब तीनों ही बोल गई, अब आगे काय नहीं सुनाई, कुब चक बन गए थे और जी हो गया था, वो कुछ नहीं सुनाया। प्रसन्न हो अर्तार नव पर नित को शंका हुई थी भाई। इधर की कहानी अर्तार नव की पता नहीं थी उनको, उनने तो अपनी अपनी पूरी कहानी सुना दी थी है। फिर समझा कोई दूजा होगा, अरे ये भाई प्रसन्न हो उसी से पुरस्कार देने की कहते हैं। महीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणिया सो जीवन बने। बा निमित्त ज्ञानी, बा ज्ञान, आपका ज्ञान बहुत विशिष्ट है, हम बहुत प्रसन्न हुए, आप हमारे राज्य की शोभा बन गए। आप जहां से भी पधारे हो आज हमारे राज्य में, आपका आप स्वागत है। और ये मंत्री जी, ये तो बहुत छोटी मोटी चीज है, इनको तो अपन विशिष्ट है, सभा में सम्मान करेंगे और सभा में अब आपका विशेष आदर रहेगा। अष्टांग ज्ञाता है, कोई बात पूछना होगी मंत्री जी इनको इनाम देकर आओ। इनाम ना देता कठोर शब्द मैंने प्रयाज्ञा दी। महाराज इसमें कौन सी कहानी वार्ता बोल गए, तो इसमें हो क्या गया महाराज, आप भी ऐसे कल्ट को इनाम देने के लिए जा रहे हो। हे मंत्रिन, हे राजा का वचन है, आप अपने हाथ से उनको इनाम दे करके आओ। बेचारा सोच रहा है कहीं मैं इनाम लेने गया, देने गया तो ये आगे और ना खोल दे पूरी पूरी कही जो वो ही है, अभी तो मुझे देखा नहीं है, वो छुपा, और जैसे ही बाप नाम उसका नाम आया तो वो छुपता हुआ और आराम में मेरी नगर ना पड़ जाने कह दे के जे मुझे लगता है ये सब जानता है। तो इनाम सोचे एक कोविड़ा मेरी मौत बन कर आयो। सही, ये तो मेरी मौत बन करके आ गया है। करे विचार पहलवानों को मारने भेजते हैं, और क्या किया उसने, उस समय तो इनाम दे दिया और फिर राजा का मंत्री बन ही गया। जहाज का पैसा था ही, तो कुछ पहलवानों को और कुछ लोगों की सेना बनाई, उसके लिए कुब्जक को मार के आ, मैं तुमको इतना मैं माल दूंगा, जहाज में भरा था। तो बे गए हैं, तब जो मारने के लिए गए, बोले इसको पहलवान, बोले इनको क्या ऐसे पकड़ के घुमा के फेंक देंगे हम, हाँ ये इसको मारने की बात, इतनी इनाम वो भी, बोले पता नहीं ये कैसा है, मुझे तो इसका डर ही लगता है, मैं नहीं जा। मंत्री जी चिंता नहीं करो, ये तो तुम हमें एक टाइम का भोजन करा दो भाई, मैं इसको उठा के फेंक आगे, इसमें क्या करना है, ले जाएंगे ना, जा राज्य का है ना कहाँ का है, कल इसका पता नहीं चलना। तो दो पांच पहलवान जो थे जो गए, तब क्या हुआ बोलो, तीसरी विद्या शुरू,
कौन सी वाली? बले वर्धनी विद्या सो, मंत्री के सामने भी तीनों, अब एक गया, अच्छा जी अच्छा आप आयो, किसके लिए आयो? है तू मंत्री अर्थार्णव का नाम नहीं रहेगा राज्य में? अरे भैया मैंने कहा को अर्थार्णव, मैं कहा जानू कौन मंत्री अर्थार्णव, तो तेरी कहानी में से अर्थार्णव निकाल देना राजा के। अरे भैया मैंने सब निकाल ही दिया, मुझे पता नहीं है कौन है अर्थार्णव, कौन क्या है। अच्छा कोई अर्थार्णव तो ये बता दे, कल दरबार में अर्थार्णव अर्थार्णव क्यों कर रहा था? कथा में बीच में कहां से कहानी बना बना के लाया था? हमारी मंत्री जी का नाम नहीं है। मंत्री बोले है क्या करता है? तो बोले अब ये ऐसा नहीं मानेगा साहब। तो आए वो एक ने पकड़ा, मैं उठा के फेंकता हूँ, हिला भी ना पाए इतनी बल, बल विद्या के बल से तो हो रही, वो एक दूसरा लग गया, तीसरा लग गया। बल वर्धनी विद्या सो हिला भी नहीं पाए, दिया थपाड़ा पहलवान सब भूमि पर धाए। और जब तीन ही कुछ नहीं कर पाया, उसने ऐसा दिया और तीन ही लुड़ा, हा हा एक थापड़ में तीनों ही गए। जो वेद ज्ञान के बल सो, हाँ दिखने में तो ऐसा समझ में नहीं है, सम्मत सुन का क्या बल, वेद ज्ञान का क्या बल? जो वेद ज्ञान के बल सो राग को नष्टे पाते हैं, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनियो। तीनों घायल और पूरा, हे मंत्री आगा, मंत्री सामने नहीं था जा करके। अच्छा इनाम, हाँ मंत्री हमारी काय के इनाम मिल गई इनाम अभी तो। क्यों? अरे तुम्हारी जी हालत कर दी उसने, वो तो देखने में लगता है वो तो न जाने कौन है, उसने हमारे हाल बना दिए। ताओ लक गायल सेनाले, को गायल देखा, हे राजन राज्य पर एक उपद्रव आने वाला है, उसके लिए आप मुझे सेनापति सहित आज्ञा दो, उस उपद्रव को मैं दूर करने जाना चाहता हूं। एक दो कार्य अर्थार्णव ने ऐसे की थे तभी तो राजा प्रसन्न हो गया था। राजा ने समझा हो सकता है सत्य बात हो, मंत्री राज्य तुम्हारा है, राज्य व्यवस्था करना तुम्हारा कर्तव्य है, कोई बात नहीं हम सेनापति जी को आज्ञा देते हैं और हम स्वयं युद्ध के, महाराज आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं ही बहुत हूं, मुझे अच्छा शस्त्र दीजिए, आप इस बार देखना उस विपदा को मैं नष्ट करके आऊंगा। मूर से साल सेनाली अर्थार्णव स्वयं और सेना सहित गए, लेकिन राजा लोग भी ऐसे नहीं होते, राजा ने अपने गुप्तचर भी साथ में भेज दिए, कहां पर युद्ध क्या हो रहा है हमें समाचार मिलना चाहिए। बड़ी विशाल सेना कुब्जक रहता था एक झोपड़ी में, वहां पर पहुंच गई और जब देखा सेना लेकर आया, जब सेना लेकर लके गायल सेना ले अर्थार्णव था आया, सामने विशाल सेना दिख रही थी, महीपाल सामान्य वेश में खड़े थे, चारों तरफ कुटिया घिर गई थी। तब महीपाल को बोला निकल, कुब्जक वेशधारी जो सामने आए तो पूरी सेना हंसने लगी, मंत्री जी जी विपदा है। तब सेना और सेनापति को लगा जी मंत्री की बुद्धि को क्या हो गया, इतनी बड़ी सेना राजा की
अरे तुम नहीं जानते ये कल राज को नष्ट करने आया, ये कोई वैसा दे दैत्य है, ये बहुत विद्याएं जानता है, राजा इसके चंगुल में, इसको खत्म करना है। मंत्री जी हमें एक सैनिक बोला, मुझे ही बता देते, उसने मुझे ही बता देते। तो भैया अब किसे बताना है, अब तुम शुरू तो करो कहानी। तो जो सेना ने आक्रमण किया है और वो अकेले कुछ नहीं ऐसे खड़े थे, आक्रमण सामने से हो रहा है, इतनी विशाल सेना, विभावों की कितनी विशाल सेना आ जाए, चित स्वभाव को भाने वाले का कुछ नहीं कर सकती है। घेर लिए और वे भी घिर गए हैं, लेकिन जैसे ही चारों तरफ से बाण चलाए हैं, बाण पहुंच तो गए हैं लेकिन बाण छू नहीं पाए हैं। जैसे ही निकट पहुंचे हैं, पूरी सेना सहित अर्थारणाओ, तब क्या प्रसंग युद्ध का बना है, कैसे वो इस सेना को अकेले के बल पर पराजित करेंगे, और कैसे राजा के सामने पूरी अर्थार्णव सहित स्थिति बनेगी, इन तीनों का मिलन कैसे होगा, पिता को धर्म का अतिशय कैसे दिखाएंगे, कैसे राज्य करेंगे, और राज्य में हमारी कहानियां पूरी नहीं होती हैं, वैराग्य धारण करेंगे, मुनि दशा को अंगीकार कर केवल ज्ञान लई शिव पद की प्राप्ति करेंगे। ये कथा का शेष है, अंतिम दिवस की वाचना के लिए आप पुनः समय पे आकर के इस कथा का श्रवण करना, अभी का अपना समय हो गया। मई पल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, यशो जीवन बने मां।